अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि बहुप्रतीक्षित इंतजार खत्म हुआ, मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा जो कि 24 सितंबर को दिन रविवार को संपन्न हुई थी, काफ़ी बहनों को जो है आयोग की आंसर की का इंतजार था और UPSSC आयोग ने आज आंसर की जारी कर दिया। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा आयोग ने जारी की उत्तर कुंजी 3 अक्टूबर 2023 आंसर की, तुरंत डाउनलोड करें और देखें। चलिए आयोग की सूचना पढ़ लेते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कुछ बातें आपको जो हैं वो कंफर्म हो सके। ये देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ, आयोग के विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा अब्लिक 2022 मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा जो है जनपद लखनऊ में दिनांक 24 सितंबर 2023 को दो पालियों में आयोजित की गई थी। उक्त के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 24 सितंबर 2023 को संपन्न लिखित परीक्षा के पालीवार मास्टर सेट की अनंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर मीन्स UPSSC.government.in पर उपलब्ध है। आप देखिए, मास्टर सेट का तात्पर्य भी आपको बता देंगे कि कैसे मास्टर सेट क्या होता है जिससे आपको आंसर की मिलान करने में आसानी हो। और प्रथम पाली के लिए देखिए साइट दी गई है, द्वितीय पाली के लिए भी दी गई है आयोग की तरफ से। हालांकि कभी आपको सरलता से बता देंगे कि कहां से आप डाउनलोड करें आसानी से आपके पालीवार जो हमें इस प्रथम पाली मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की आंसर की आप डाउनलोड कर सकें। संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त लिंक पर उपलब्ध अनंतिम उत्तर कुंजी पर यदि कोई आपत्ति हो तो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आपत्ति दर्ज करने संबंधी लिंक, ये अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन पर आपत्ति होती है तो वहाँ आप आयोग की इस लिंक पर जाकर कर सकते दर्ज कर सकते, ठीक है, अपने साक्ष्य के साथ, ठीक है। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, केवल आपको थोड़ा सा हम बता दें बस। संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त लिंक के माध्यम से ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, मीन्स और कहीं से नहीं, जो लिंक दी गई है वहीं से आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से यथा डाक या प्रत्यावेदन द्वारा उत्तर कुंजी के संबंध में दी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। सूच है कि आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2023 है। उक्त तिथि के उपरांत आपत्ति दर्ज करने की सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। मीन्स कहने का मतलब आप तुरंत अपनी आंसर की पहले डाउनलोड कर लें, मास्टर आंसर की आई हुई है, और अपने आंसर को मिलान करने के बाद किसी में अगर आपको संदेह है, कोई आपके पास साक्ष्य है कि आप सही हैं, तो आप उस साक्ष्य के साथ आयोग द्वारा दी गई साइट पर आप जो है 12 अक्टूबर तक जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आयोग ने जो उत्तर कुंजी जारी की है वो मास्टर सेट है। अब मास्टर की क्या होती है, कहने का मतलब जैसे कि चाहे प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली में परीक्षा हुई, तो सभी पालियों की परीक्षा में जो है सेट अलग होते हैं, किसी का सेट ए, किसी का सेट बी सी डी, कुछ भी रहा हो, लेकिन आयोग एक मास्टर आंसर की जारी किया है जिसमें आपको क्या करना है, मास्टर की आप डाउनलोड कर लें। जैसे अगर प्रथम पाली के हैं तो प्रथम पाली की मास्टर की आंसर की डाउनलोड कर लीजिए,
और अगर आप सेकंड पाली के हैं, मैंने सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं, तो सेकंड शिफ्ट की आंसर मास्टर की आंसर की जो है डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप जो है अपने पेपर के जरिए, ठीक है, मींस आपको चूंकि प्रश्न पत्र मिला है, मास्टर की में प्रश्न और उत्तर सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ से केवल आपको प्रश्न और उत्तर अपने सेट में मिलान करना है कि आप माने जो मास्टर की में पहला क्वेश्चन है वो आपका चौथा क्वेश्चन है, इस अनुसार वहाँ आपको प्रश्न और उत्तर दोनों मिलेंगे। आप वही चीज़ अपने माने प्रश्न पुस्तिका में भी मिलान कर लीजिए, फिर आपको जो कार्बन कॉपी मिली है उससे टैली कर लीजिए, ठीक है। तो भाई इतनी सी बात थी, तुरंत आप जो है चाहे आप sarkaririzalt.com से जाकर आंसर की डाउनलोड कर लें, वहाँ से बहुत इजी है, uptsc.government.in से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मीन्स uptsc की अपनी निजी वेबसाइट पर, ठीक है। ये दोनों साइटें बहुत अच्छी हैं, तुरंत आप डाउनलोड करें। तो भाई आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप जल्दी सेलेक्ट हों, आपको बहुत बहुत बधाई, आप सभी की मेहनत सफल हो, ठीक है। अब यहाँ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आंसर की मिलाने के बाद कि आप सभी के मार्क्स कितने बन रहे हैं, जिससे कि जो कट ऑफ इसके पहले संभावित एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी गई थी, क्या आंकड़ा उसका जा रहा है, वो कन्फर्म हो सके, ठीक है। जितने लोगों तक ये वीडियो जाए वो ज़रूर जो है संभावित कट ऑफ माने अपनी कट ऑफ बताएं क्या आपका मार्क्स है, ओके। तो बस इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी आप शेयर करें, जिससे सभी को जानकारी मिल सके। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके, थैंक यू।